हाँ तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो देखिए जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था तो हमने पोटेंशियल एनर्जी में एक हमने केस पढ़ा था और हमने बोला था कि जब सभी चार्जेस फिक्स हों और सिर्फ एक चार्ज चले तो हमने ग्रेविटेशन तो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था वो कैसे लिखा था, क्यू इंटू पोटेंशियल। सिमिलरली हम यहाँ पर भी काम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये दोनों फिक्स हैं और ये हमारा एक मास है, ये वाला मास हमारा मूव करेगा, तो अगर इस मास का मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूँ इस मास का, तो मैं कैसे लिखूंगा, दिस मास इनटू ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक, तो सुनिए, तो क्वेश्चन ये है कि दो प्लैनेट हैं, एक का मास एम है, रेडियस आर है, दूसरे का है 16 m रेडियस 2 r, और दोनों के सेंटर टू डिस्टेंस सेंटर 16 r है, स्फेरिकल है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सिमेट्रिक सिचुएशन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस m मास को मुझे इस प्लैनेट से इस प्लैनेट पे फेंकना है, तो आपको बताना है कि जो ये वेलोसिटी v होगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, इस वेलोसिटी v का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये पत्थर या फिर ये पार्टिकल इस प्लैनेट से जाकर इस प्लैनेट पे चला जाए। ठीक, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे सोचिए कि इसको इधर जाने में दिक्कत क्यों होगी, हम इसको अगर चींटी सी वेलोसिटी दे रहे हैं और उसमें क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स इसको जाने नहीं देना चाहता। तो मैं कहता हूं आप इस पे ये देखो कि इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो कहां तक लग रहा है। ठीक, अच्छा जैसे तो मैं मान लेता हूं कि यहां कहीं ऐसे, मैं मान लेता हूं कोई जरूरी नहीं है ऐसा हुआ हो, मैं मान लेता हूं जैसे हमने जनरली देखा है कि जैसे एक मास होता है और दूसरा मास होता है, दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होती है, ऐसा होता है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये वो वाला पॉइंट है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, जरूरी नहीं है हो सकता है ये इस किसी के अंदर वो पॉइंट आए। ठीक, तो हम एक बार चेक करते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है x, और तो x की वैल्यू आपकी r से ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि ये इसके बाहर हमने माना है, और इसके यहां सेंटर से डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा टेन आर माइनस एक्स। इसका मतलब टेन आर माइनस एक्स मतलब ये सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो 2r से ज्यादा आना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस 2r से ज्यादा आना चाहिए क्योंकि मैंने पार्टिकल को बाहर माना है, और मैं कैलकुलेशन करके देख रहा हूं कि ग्रेविटेशन फील्ड इक्वल टू जीरो। अगर मान लेते हैं यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड जीरो मिला तो उससे हमें फायदा क्या मिलेगा, तो हम ये जान पाएंगे कि ये जो पॉइंट है इन पर ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हुआ होगा और इन पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो हमारा जो ये एम मास है, ये जो हमारा एम मास है इसको जाने में दिक्कत सिर्फ इस पॉइंट तक होगी, इस पॉइंट के बाद तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अपने आप खींच लेगी। ठीक, तो मैं कैलकुलेशन करता हूं, अगर यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड जीरो मिला उसका हम कैसे यूज करेंगे कैलकुलेशन में, वो ऐसे यूज करेंगे कि इसको दिक्कत कहां तक होगी जाने में, यहां तक दिक्कत होगी, इसके बाद तो ग्रेविटेशन फील्ड अपने आप खींच लेगी, मतलब हमारा पर्पज होगा कि हम इसको अगर यहां तक पहुंचा दें तो आगे अपने आप चला जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन करते हैं, पहले ये चेक करते हैं यहाँ जी जीरो है कि नहीं, तो ग्रेविटेशन फील्ड लिखते हैं दोनों का, इसका कितना आएगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उसका कितना आएगा जी ऑफ 16 m अपॉन 10 r माइनस एक्स का स्क्वायर। दो तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो क्या आया, ये आएगा आपका 1 अपॉन एक्स दैट इक्वल टू 4 अपॉन 10 r माइनस एक्स। इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए यहां से x की वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से 5, x की वैल्यू देखिए 4x हो गया 5 आ, तो x की वैल्यू आएगी यहां से 2 r, तो x को अगर मैं 2 r यहां पुट करूंगा तो ये 8 r हो जाएगा, 8 r हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 r हो जाएगा, x की वैल्यू 2 r, तो इसको आप सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x का जो वैल्यू आया 2 r, देखिए मैंने दिमाग में सॉल्व कर लिया, आप पेपर पे लिख के सॉल्व करें। ठीक है, x की वैल्यू 2 r आया, मैंने पेपर पे सॉल्व किया, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगी और इस एक्स की वैल्यू 2 r है और यहाँ से ये दूरी कितनी है 8 r, तो अच्छी बात है, एक्स आर से ज्यादा आना चाहिए था आया, और ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक 8 r आया, मतलब 2 r से ज्यादा आना चाहिए था आया, क्योंकि हमने पॉइंट बाहर माना ना, इसके भी बाहर और इसके बाहर, अगर ये पॉइंट इसके अंदर होता तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होती 2 r से कम होती।
तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है, इसका मतलब मेरे एम मास को अगर मैं यहाँ तक भेज दूं तो वो आगे अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं इस एम मास को भेजूंगा तो उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो जितना उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी मुझे देकर भेजना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ फाइनल और इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं इनिशियल। सबसे पहले मैं इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखता हूँ, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। इसके कारण क्या पोटेंशियल आएगा, इस कारण आएगा माइनस जी इंटू 16 m अपॉन उसके सरफेस का पॉइंट है 2r प्लस। इसके कारण कितना पोटेंशियल आएगा, तो सेंटर से हमें डिस्टेंस देखना है यहाँ का, तो सेंटर से यहाँ तक कितना है 10r, इसमें से 2r हटा दो तो ये कितना बचा आपका 8r। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा माइनस जी एम अपॉन 8r। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए ऊपर 8 टाइम्स कटेगा और ये सॉल्व होके क्या आएगा, मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ नहीं, ठीक, तो कितना आएगा देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर 8 बनेगा, नीचे 8 है, तो ये आया आपका 65y8 माइनस जी एम अपॉन आर। कैसे, एक बार डिस्टेंस चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक, यहां से यहां तक डिस्टेंस 10r था, यहां तक ये 2r रेडियस इसमें से हटा दिया जाए तो 8r बचेगा, बिल्कुल करेक्ट। उसका का मास कितना है 16m, जी 16m अपॉन उसका सॉरी ये उसका रेडियस कितना है 2r। ठीक है, अब आप इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए v फाइनल। तो v फाइनल लिखेंगे तो यहां से डिस्टेंस कितनी है x की वैल्यू 2r और यहां से डिस्टेंस कितनी है 8r, तो आएगा माइनस जी इसके कारण m अपॉन 2r प्लस माइनस जी 16m अपॉन 8r। तो 8 से 2 टाइम्स कटेगा, ये 1/2 है और ये 2 है, तो ये आया माइनस ऑफ 5/2 जी एम अपॉन आर। अब हम ये लिखना चाहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी का लॉस चाहिए। तो डेल्टा यू इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी, ये आया आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, तो आपको याद है जब एक चार्ज पार्टिकल चलता था तो चार्ज पार्टिकल क्यू इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, तो यहाँ पे एक मास चलेगा तो उस पार्टिकल का मास इंटू पोटेंशियल। तो फाइनल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, एम इंटू वी फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल एनर्जी एम इंटू इनिशियल पोटेंशियल। इसको सॉल्व किया जाए एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट कर दिया तो ये प्लस बन जाएगा, तो 65/8 माइनस 5/2 इंटू जी एम अपॉन आर। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यह आया आपका कितना 130 और ये 8 इंटू 5 कितना आ जाएगा 40, तो वो आएगा 90 और नीचे आ जाएगा कौन आपका 16। देखा ना 130 हुआ ये 130 और ये वो 40, 130 माइनस 40 आया 90 नीचे आया 16, 2 से काट लो और ऊपर, तो इसको मैं यहां लिख देता हूँ, चलिए काटा पिटी आप करते रहिएगा। तो ऊपर आया 90 और नीचे आया 16 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इतना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यहां से मान लो आपने जो वेलोसिटी वी देकर भेजा, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो चार से कटेगा गे 2 से काट दो, 2 से कटेगा 45/8 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी एटलीस्ट इससे ज्यादा होनी चाहिए, किससे ज्यादा, जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहां से सॉल्व करिए 2 से कितने टाइम्स कट जाएगा 4 टाइम्स कटाएगा, तो आपका v का जो वैल्यू आया वो आया ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आया 45 जी कैपिटल m अपॉन 4r। तो आपका वेलोसिटी जो है वो एटलीस्ट इस वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, तो आपका जो पार्टिकल है जो यहां से फेंका गया वो इस प्लैनेट पे पहुंच जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक होता है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है और ये फिक्स है और यहां से मैं किसी पार्टिकल को फेंकना चाहता हूं, तो आपने जनरली एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम धरती पर जैसे किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो जाता है फिर वापस आ जाता है, और तेज फेंकिए तो थोड़ा और ऊंचाई तक जाता है फिर वापस आ जाता है, थोड़ा और तेज फेंकिए और ज्यादा ऊंचाई तक जाता है फिर वापस आ जाता है। हम चाहते हैं कि हम उसको ऐसा फेंके कि वो वापस आए नहीं, इसका मतलब वो एस्केप कर जाए, एस्केप करना मतलब छोड़ के भाग जाना मतलब। तो देखो मैंने एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या लिखा है कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू सेंड ए बॉडी आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए प्लैनेट, मतलब जैसे हमारा अर्थ है, इस अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशन फील्ड से हम बॉडी को बाहर निकाल दें,
इतना तेज फेंकें कि वो इस ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए तो वो वापस धरती पे आएगा ही नहीं, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए ये पार्टिकल को मैं वी वेलोसिटी से फेंकूंगा और मैं चाहता हूं ये बाहर निकल जाए, मतलब कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। तो अगर ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो इन्फिनिटी पे कुछ इसका काइनेटिक एनर्जी होगा और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के कारण जितना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन शुरुआत में आएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन बाद में आएगा, क्योंकि सिस्टम में कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, ऑनली कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। तो सिस्टम का इनिशियल में एनर्जी कितना आएगा, तो इनिशियल एनर्जी लिखा जाए सिस्टम का यू इनिशियल, तो यू इनिशियल हो जाएगा आपका माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, क्योंकि सरफेस पर है, सरफेस पर है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनफिनिटी पर भी काइनेटिक एनर्जी इसका तो नहीं रहेगा, किसका, इस सिस्टम का, कौन कौन से सिस्टम का, दैट प्लैनेट प्लस दैट बॉडी दैट पार्टिकल जिसको फेंका गया। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इन्फिनिटी पे जो पार्टिकल है उसकी जो टोटल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती। मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जो है इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी पे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो इन्फिनिटी पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहां पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक क्या होगी, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो आपकी जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो क्या होना चाहिए, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक, बस इसी चीज को हमें यूज करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो मैं लिख देता हूं कि दैट हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल हाफ एम बी स्क्वायर, एक सेकेंड, ठीक, तो ये आया आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, दैट इज द टोटल एनर्जी। और जितना टोटल एनर्जी इनिशियल था उतना ही फाइनल रहेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कोई लॉस नहीं है। तो यहां से जो वी आया आपका वो आया ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू जी एम अपॉन आर। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना आया, वी मिनिमम, तो वी मिनिमम को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो वी मिनिमम कितना आया, अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ठीक, तो एस्केप वेलोसिटी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि उस पार्टिकल का मास क्या था, एस्केप वेलोसिटी सिर्फ किस पे निर्भर करती है, प्लैनेट का मास और कहां से फेंका। तो हमने सरफेस से फेंका था तो हमें ये रेडियस ये आया। अगर मैं अर्थ के लिए इसकी वैल्यू इसकी बात करूं, तो अर्थ के लिए जो ये वैल्यू आती है एस्केप वेलोसिटी की, वो लगभग आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इतना तेज अगर आप अर्थ की सरफेस से किसी चीज को फेंक दें तो वो चीज धरती पर वापस लौट के नहीं आएगी, कौन, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे है अगला टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखिए बहुत आसान टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कोई पार्टिकल ऐसे ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। तो मान लेते हैं ये कोई प्लैनेट है, ये स्फेरिकल है, इसका मास m है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एक अपना रेडियस है, लेट्स से कैपिटल r, ये प्लैनेट फिक्स है, और एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है इस प्लैनेट के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है। तो उसका जो वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड, क्योंकि वो एक ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की पार्टिकल में कितना फोर्स लग रहा होगा, g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन दैट r स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, m मास इनटू एक्सेलरेशन mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से v का जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना आया, वो आया अंडर रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r। अगर मैं ये पता करूं कि एक चक्कर करने में टाइम कितना लगेगा, अगर मैं कैपिटल t टाइम पीरियड की वैल्यू निकालूं कैपिटल t, तो वो आएगा दैट 2 पाई r अपॉन दैट ऑर्बिटल स्पीड v। तो 2 पाई r अपॉन दैट ऑर्बिटल स्पीड वो कितना है, अंडर रूट ऑफ gm, और यहाँ पे कितना है, अंडर रूट ऑफ आर। तो टी का जो वैल्यू आया वो आया 2 पाई अपॉन रूट जी एम इंटू आर की पावर 3 बाई। तो ये याद है, ये इसका जो टाइम पीरियड है पार्टिकल का, उस पार्टिकल के मास पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उस ऑर्बिट के रेडियस पे, एक फिक्स प्लैनेट के लिए। तो कैपिटल एम फिक्स है, इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे हम सन के लिए बात करें,
तो सन सन क्या है, एक ऐसे फिक्स प्लैनेट हो गया। बाकी को आप ऐसे पार्टिकल समझ लीजिए, कौन जुपिटर, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, ये सबको ऐसे पार्टिकल समझ लीजिए। अभी चक्कर काट रहे तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा, जिसका आर सबसे ज्यादा होगा, और टाइम पीरियड कम किसका होगा, जिसका आर सबसे कम होगा। तो मार्स नजदीक है तो मार्स का टाइम पीरियड कम, अर्थ मार्स से ज्यादा दूर, अर्थ जो है उसकी डिस्टेंस मार्स की कंपेरिजन में ज्यादा है, तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा। ठीक, चलिए।